लीजिए। अपना भी ख्याल रख लिया करो। मेरा ख्याल रखने के लिए आप जो हैं। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा ना, खुद ही चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। अब नहीं रख सकते, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। वैसे भी तुम्हारे बगैर बहुत अकेली हो जाती हूँ। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं कहीं नहीं। आजकल आप बहुत खोए खोए रहने लगे हैं। काम का स्ट्रेस है क्या? हाँ बस थोड़ा बिजी हूँ। कल रात को भी देर से आए थे और फिर डिनर किए बगैर ही सो गए। नहीं, मैंने खाना खा लिया था दोस्तों के साथ। दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं इख्तियार करते जा रहे। बाबा सही, यहाँ मेरे बाबा सही, अम्मा सही। आप लोग अचानक क्यों? तुम्हें हमारा सरप्राइज पसंद नहीं आया? नहीं अम्मा, मेरा मतलब था अगर आप मुझे बता देते तो मैं जाफर को भेज देता, रास्ते में तकलीफ नहीं होती आपको। अगर पहले बता देते तो बहू का ये हैरान चेहरा देखने को कैसे मिलता? बहू, सर पर दुपट्टा लेकर बाबा साईं को सलाम करो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुम तो बहू को मिलवाने नहीं लेकर आए ना, इसलिए हम खुद मिलने आ गए। अच्छा किया आपने। आइए प्लीज बैठिए ना, मैं मुलाजिम को बोल के कुछ खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। मुलाजिम से क्यों, मैं खुद जाती हूँ। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। हमारा अपना घर है, वैसे भी हम नाश्ता करके घर से निकले थे, बस अपने बच्चों को देखने के लिए आ गए। इसमें तकल्लुफ कैसा, आप लोग पहली बार घर आए हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा। मैं अभी आई। अच्छी है, आइए बैठिए ना प्लीज। आप ज्यादा हलकान होने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना घर है। मानो सब तैयार हो गया है ना? जी मैडम। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और खाना बिल्कुल गरम गरम तुमने सर्व करना है। हुँ? और हाँ, पुडिंग रेडी की है तुमने? जी बन गई है। गुड, पुडिंग जब बहुत ठंडी होगी ना तभी सर्व करना, गजनबी को बहुत पसंद है वो। हुँ? और खाने की गार्निशिंग भी ना बहुत अच्छी तरह करनी है तुमने। मेरा मतलब है खाना अच्छी तरह सजा कर लेकर आना और टेबल भी बहुत अच्छी तरह तुमने डिकोर करना है। हुँ? जी बेहतर। मैडम खाना कब लगाना है? मैं बस कॉल कर रही हूँ गजनबी को, लेकिन तुम प्लीज एक बार किचन को अच्छी तरह देख लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बेहतर। बहू तुमने सब कुछ बहुत अच्छा बनवाया। अभी कहाँ, अगर खबर होती कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं कोशिश करती और अच्छा बनवाने की। इतना सब कर लिया ये भी बहुत था, मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमें क्या पसंद है? नौशेरवान ने बताया। हमारे यहां बहुएं इस तरह से शौहर का नाम नहीं लेती। जी, आइंदा ख्याल करूंगी। जीती रहो। अभी बहू को हमारे साथ जुड़े दिन ही कितने हुए, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जी साईं जी, हमने किस वक्त निकलना है? मैं
अभी तो वक्त है, आप चाहें तो थोड़ा आराम कर सकती हैं। क्या मतलब, आप लोग आज ही चले जाएंगे क्या? यही तय हुआ था। नहीं बाबा साईं, कुछ दिन रुके ना। हाँ कुछ दिन तो रहे हमारे साथ। अभी तो जरा अफरा तफरी में आए हैं, एक जरूरी काम था। कैसा जरूरी काम? मेरा मतलब है आप हवेली से हुक्म कर देते, काम हो जाता बाबा साईं। आना जरूरी था। तुम दोनों परेशान मत हो, हम फिर से आ जाएंगे। और इस बार फुर्सत से आएंगे और खिदमत भी करवाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। अब अच्छा आप लोग बैठे, मैं कैवे का कह के आती हूँ। हम चलते हैं तुम्हारे साथ। आइए। बाबा सही रास्ते में कोई मेरी कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा है? उठा लो, कोई जरूरी फोन हो सकता है। नहीं इतना जरूरी भी नहीं। मैं कह रहा था रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं। हमें अंदाजा था कि अगर नौशेरवा ने किसी को पसंद किया है तो उसमें कुछ खास बात तो होगी। अब तुम्हें देखकर, तुम्हें मिलकर इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारी सोच गलत नहीं थी। अगली बार आएंगे ना तो तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाकी घर वालों से मिलेंगे। इंशाल्लाह वो सब लोग भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आपको पता है जब मैं आप लोगों से नहीं मिली थी ना तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। नौशेरवा ने जब तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया तो फिर डर कैसा?